सिंपल तरीके से ही बना रही होती हूँ, लेकिन खैर सबको पसंद आते हैं और मुझे खुद पर्सनली बहुत पसंद है चपले कबाब। तो आज काफ़ी दिनों बाद चपले कबाब बना रहे हैं, देखते हैं कैसे बनते हैं, आए फिर बनाते हैं। आएगा अभी, रिसीव तो हो गया, अब आएंगे देखेंगे क्या किया है इसने, क्या मंगवाया है, शाम में इसको करते हैं अनबॉक्स, देखेंगे क्या आया है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई आज तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, फाइनली पाकिस्तान जीत गया है कल का मैच, और क्या एक्साइटमेंट थी कल के मैच की। तो अच्छा, वैसे कल का मैच जो है वो बिल्कुल नेल बैटिंग मैच था, और क्या बिल्कुल मुकाबला जो था बहुत टाकरे का था, लेकिन मज़ा आया। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान इंडिया के मैच में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा जो सब लोग इन्जॉय करते हैं, आई थिंक अक्रॉस द बॉर्डर दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो इन्जॉय करती हैं, वो ये कि ना मुकाबला जो होता है ना वो टिल एंड तक चलता है। मतलब मैच जो हमेशा पलटी खाता है ना, वो यकीनन लास्ट के टू ओवर्स में ही खाता है। लास्ट टाइम जो है वो पाकिस्तान का मैच जो है वो लग रहा था कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन एंड मोमेंट पे आके इंडिया ने गेम चेंज कर दिया, और इस दफ़ा जो है वो पाकिस्तान एंड मोमेंट पे आके गेम चेंज कर दिया। सो इट्स जस्ट अ गेम, और मेरे हाथ से गेम को गेम कितना ही लेना चाहिए, हार जीत तो होती है, कोई एक जीतता है कोई एक हारता ही है। वेल गाइज, कल तो मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं शूट कर सकी, कल का दिन इतना बिजी रहा, आप यकीन करें बैक टू बैक कोई ना कोई काम लगा ही रहा, सुबह से लेके शाम तक आई वॉज सो बिज़ी। अनदर न्यूज़, जीवेली की तबीयत ख़राब हो गई, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सैटरडे को हम लोग वापस आए तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, सर में दर्द हुआ था, बट वो सर में दर्द नहीं था, वो बेसिकली उनको फीवर चढ़ रहा था, और कल बेचारी को 101 बुखार रहा है सारा दिन, और बिल्कुल भी नहीं उठ सकी, और आज भी वो चली गई ऑफिस। हालांकि मैं समझी थी कि शायद वो नहीं जाएगी, लेकिन वो चली गई है क्योंकि तबीयत तो खैर ठीक नहीं थी, और मेडिसिन नहीं वो खाती हैं, उनका कोई ऐसा इरादा नहीं होता मेडिसिन खाने का, उसका कोई एक अजीब उसकी लाइफ का एक फंड है कि भाई दवाई नहीं खानी, तो खैर दवाई खाए बगैर तो आपको आराम आता नहीं है। सो आज जो है वो मैडम को हम लोग ज़बरदस्ती लेके जाएंगे डॉक्टर के पास। ये देखिए गाइस, कोई पार्सल आया है, बाजी ने कुछ मंगवाया है, पता नहीं क्या मंगवाया है, खैर आजकल जो है वो बाजी दराज से शॉपिंग कर रही है, तो कही थी कोई मैंने पार्सल मंगवाया तो वो आएगा, अभी रिसीव तो हो गया, अब आएगा देखिए क्या किया है इसने, क्या मंगवाया है, शाम में इसको करते हैं अनबॉक्स, देखेंगे क्या आया है। वेल गाइस, कैल्शियम इनटेक बहुत ज़रूरी है, तो दिन में एक बार तो ज़रूर लेना चाहिए। आई गाइस, जी मेरे को कॉल करके पूछना उसकी तबीयत कैसी है, सुबह से उसको पूछा ही नहीं कि उसकी तबीयत कैसी है। वालेकुम जाबू। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है यार? तबीयत तो जो है वो बस ओके है अभी। अच्छा, तो कुछ सोच रही हूँ कि दवाई ले आऊँ। आज आप अपनी दवाई लेकर आओ, और कुछ खाया है आपने? मैंने थोड़ा सा लंच किया था। चलो ठीक है, कुछ खा लेती और फिर एक पैनडोल ले लेती ताकि थोड़ा आराम रहता शाम तक। हाँ हाँ, मैंने पैनडोल ले ली। लाफिज़ गाइस, जी ये घर आ गई है और तबीयत बेचारी की बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बस कह रही कि मुझे फटाफट चाय बना दे। अब चाय बनाई है, अब देखें जीवी को पसंद आती है कि नहीं पसंद आती, आज कह रही है ऑफिस में अच्छी चाय नहीं मिली इसको, चले अब मैंने बनाई है, पता नहीं कैसी लगेगी, शायद अच्छी लग जाए। अम्मी का फेवरेट बिस्किट। अम्मी की शुगर हाई हो, जो भी अम्मी कहते हैं, मुझे तो मीठे बिस्किट ला के दो भाई, मुझे तो मीठे बिस्किट खाने। क्या करें आप? खैर अम्मी खाएं, कोई बात नहीं, शुगर का क्या है वो तो चलती रहती, उसका तो काम ही बढ़ना है। चलती रहती। कोई बात नहीं, खाने खाने, बस बाजी को नहीं बताइएगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह सही होगा। गाइस मैं तो शाम में चाय पीती नहीं, ये लोग चाय पीते हैं, आप पता नहीं कैसी बनी। जी भैया कैसी बनी चाय? बिस्किट तो खा लो, चाय अच्छी है। जी भैया की तो आवाज़ ही नहीं निकल रही है ना बेचारी की, अच्छी की नज़र लग गई हमारी जी भैया। आप लोग प्लीज़ दुआ करें जी भैया के लिए। गाइस आज आटा मंगवाया, लास्ट टाइम मंगवाया तो उसके प्राइस 110, इस दफ़ा मंगवाया तो अब देखें 115 हो गए, यानी कि हर दिन जो है समझें कि पैसे बढ़े हुए ही होते हैं हर चीज़ के। अब महंगाई तो इस कदर हो रही है ना रैपिडली, अब हर कोई जो अपने तरीके से चीज़ें बढ़ा रहे हो, बस फिर सब लोगों के पास यही एक्सक्यूज़ होता है भाई महंगाई हो गई महंगाई हो गई। तो आप देखें यार कहाँ रेट चला गया, हर दूसरे दिन रेट बढ़ा हुआ। चले गाइस, मगरिब की अजान हो गई, नमाज़ पढ़ते हैं फिर खाने की तैयारी करते हैं। नमाज से फारिग हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब जबीरिया जो है वो गई हुई है अभी डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए, तो मैंने कहा चले मैं फिर अब किचन में चलती हूँ, अब जरा देखूँ क्या क्या करना है अभी किचन में। बाकी कुछ लोगों का एक नैरेटिव है ना हमारे यहाँ के, भाई घर में रह के आप क्या करो, घर में बहुत सारे काम होते हैं, जिन लोगों का ये सोच है ना कि घर में रहने वालों का कोई काम नहीं होता, तो ये बहुत ही गलत सोच है, घर में बहुत सारे काम होते हैं, और घर भी एक तरह से एक इंस्टीट्यूट होता है जिसको आपको मैनेज करना होता है, तो बहुत सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करना होता है, और ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि डेली बेसिस पे हो रही होती हैं, जिनको आप एक दिन के लिए भी मिस नहीं कर सकते। सो गाइस, आज मैं बना रही हूँ चपली कबाब, सही है तो आप मेरे साथ ही रहेगा। ये देखें गाइस, मैंने कबाब पूरे रेडी कर दिए, बस अब ये कि इनको फ्राइंग में ईजी रहेगा,
तो बस अभी ये कि मैंने पहले से बना के रखी ताकि थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएँ तो फिर वो अच्छे कुक हो जाते हैं। आप उनको अगर लो फ्लेम पे बनाए तो वो सही से बन जाते हैं, वरना अगर हाई पे करो ना फिर वो जल जाते हैं और अंदर से सही से गल भी नहीं पाते। तो ये कि थोड़ा सा हल्की फ्लेम पर बना लूँगी तो इंशाल्लाह परफेक्ट बन जाएंगे। वेल, मैंने कल बनाए थे बेसिकली चपली कबाब, लेकिन मैंने नहीं बनाए क्योंकि इसका जो है वो पानी कीमे का नहीं निकला था, और अगर कीमे में ज़्यादा भी पानी रह जाए ना तो फिर वो कबाब टूटने लग जाते। आज बल्कि मैंने दिन में इसकी की है मैरिनेशन, और उसके बावजूद मैंने इसको अच्छी तरह से स्क्वीज़ किया है तो पानी ठीक ठाक निकला है। मतलब मेरी उंगलियाँ दुख गई थी अच्छी तरह से उसको दबा दबा के कि पानी निकल जाए, क्योंकि ज़रा पता है कि जैसा भी पानी होगा तो फिर वो फ़ायदा नहीं है कोई भी, क्योंकि वो कबाब फ्राई करने लगा ना तो फिर वो टूट जाते हैं, उनका फिर वो टेक्स्चर ही नहीं रहता उनके, वो अजीब से हो जाते हैं। तो खैर घर में चपली कबाब जो है वो सिर्फ मैं ही बना रही होती हूँ, और घर में सबको भी पसंद है चपली कबाब मेरे हाथ के, और कोई इतना कोई खास कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंस नहीं है, बस मैं समझी कि ये पैकेट वाले ही मसाले यूज़ कर रही होते हैं, लेकिन फिर भी खैर सबको पसंद ही आते हैं। तो खैर हाथ का भी टेस्ट होता है कुछ और, तो कुछ ऐसा खास जादू है भी, और सिंपल तरीके से ही बना रही होती हूँ, लेकिन खैर सबको पसंद आते हैं और मुझे खुद पर्सनली बहुत पसंद है चपली कबाब। तो आज काफ़ी दिनों बाद चपली कबाब बना रहे हैं, देखते हैं कैसे बनते हैं, आए फिर बनाते हैं। हमारे कबाब यमी चपली कबाब। जी गाइस, डिनर से हम लोग फारिग हो गए थे, फिर मैं ज़रा सा काम से ले गई थी बाहर, तो बस अभी घर आई हूँ। जो वेरिया जो है वो सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको फीवर तेज़ हो रहा है, तो मैं फिर इस व्लॉग को आज यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और जो लोग चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें शेयर करें, और मिलते हैं आपसे दोबारा से नई वीडियो में नए थॉट्स के साथ। तो अपना बहुत सारा रखिएगा, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।